15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा निशुल्क आयुष्मान कार्ड EKYC अभियान, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत आज जिले के समस्त ग्राम पंचायत भवन व जन सेवा केंद्रों में आयुष्मान कार्ड कैंप लगाकर निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा, जो कि 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज सरकार द्वारा चयनित अस्पताल में किया जाता है, जिससे गरीब लोगों की मदद हो सके और वह अपनी बीमारी का सही ढंग से इलाज करा सके। पंचायत भवन पर लाल कार्ड धारकों का 15 सितंबर से 30 सितंबर तक निशुल्क बनाए जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाएं। मोहल्ला में भी बनाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी जन सेवा केंद्र और पंचायत भवन में क्या हो रहा है? ये आयुष्मान भारत का अभियान चलेगा 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायत भवन में और जन सेवा केंद्रों पर, और हम लोग जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे अपने पंचायत मित्र के द्वारा भी वहाँ पे ये सुविधा देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा पाए और जन जागरूकता हो। क्या नए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं? नहीं, लाल कार्ड धारकों के लिए अभी आया है, उसकी सूची आई है जिले से, उस सूची के आधार पर उनका बनाया जा रहा है। तो किन के क्या क्या नीति है सरकार की? जो सरकार की नीति ये है कि इसमें 5 लाख योजना 5 लाख तक की बीमा है इसमें, उसमें जो हॉस्पिटलाइज हैं उनमें इलाज होता है। कितने लोग पात्र होंगे, किस क्या क्या उनके पास होना चाहिए जो पात्र हैं आयुष्मान कार्ड? लाल कार्ड हो उनके पास, BPL वाले परिवार हो, जो 2011 सेंसस का है और उसमें जितने लाभ पात्रता वाले हैं वो सारे लोग उसमें। रिपोर्टर अमित कुमार, लोकेशन मोदहा।